हेलो स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्लास सोशल स्टडीज। टुडे वी लर्न लेसन वन, एसेस रीडिंग पार्ट, द ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल, यानी पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप, राइट। आज हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। आपने ये लेसन लिख लिया है, लेकिन आज मैं इसकी वीडियो भेज रही हूँ ताकि आप इस लेसन को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि रीडिंग नहीं हुई थी। रीडिंग करवाने के लिए आपको सेंड कर रही हूँ। द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, पृथ्वी आकार में गोलाकार है। इट इज़ द होम फॉर लिविंग थिंग्स, यह जीवित चीज़ों के लिए उनका घर है, यानी कि मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, वे सब जीवित प्राणी यहाँ पर रहते हैं। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल बिकॉज एयर एंड वाटर इज फाउंड ओनली ऑन द प्लेनेट। प्यारे बच्चों, पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि इस प्लेनेट पर ही पानी और हवा मिलते हैं। एयर एंड वाटर फाउंड ऑन दिस प्लेनेट। और किसी भी प्लेनेट पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए वहाँ कोई प्राणी जीवित भी नहीं रह सकता। ये हमारी अर्थ है जो स्पेस से हमें दिखाई देती है, ठीक है, इस तरह की दिखाई देती है। इसको ब्लू ब्लू कलर की दिखाई दे रही है बिकॉज द 3/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, सो इट लुक्स लाइक अ ब्लू कलर। अर्ली मैन थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट, पहला जो आदि मानव था वो सोचता था कि पृथ्वी जो है वो चपटी होती है, एंड सराउंडेड बाय वाटर, और इसके चारों तरफ पानी है। लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ कैसी है? अर्थ राउंड है और पानी भी इसी के ऊपर ही है। He thought if he traveled too far and reached the edges, वह हमेशा ये सोचता था कि यदि मैं इस पृथ्वी पर दूर तक चला जाऊँ और इस पृथ्वी के किसी किनारे पर पहुँच जाऊँगा तो he would fall off its surface, तो वो इसके surface की सतह से नीचे गिर जाएगा। लेकिन कैसा होता है? नहीं, अर्थ एक अंडाकार है, गोल है, संतरे की तरह है, एक बॉल की तरह है। इससे हम नीचे नहीं गिर सकते। इसको हम जहाँ से इस पर यात्रा करना शुरू करेंगे, अंत में वहीं पर हम पहुँच जाएंगे। लेटर दिस थ्योरी वॉज रिजेक्टेड, लेकिन बाद में इस थ्योरी को नकार दिया गया। कॉपरनिकस, ए पोलिश एस्ट्रोनॉमर, स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड इन द शेप। कॉपरनिकस जो एक पोलिश का एस्ट्रोनॉमर था, उसने ये वाक्य दिया, ये कथन कहा कि अर्थ जो है वो राउंड है, पृथ्वी गोल है। इसके बाद ये तो हुआ कॉपरनिकस। उसके बाद फर्डिनेंड मैगलन ने भी कुछ कहा। क्या कहा, उसका क्या एक्सपीरियंस था, वो पढ़ते हैं। हु सेल्ड अराउंड द अर्थ इन 1522, फर्डिनेंड मैगलन ने 1522 में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाया। ऑल्सो प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, उसने भी यही प्रूव किया कि पृथ्वी जो है वो राउंड है, गोल है। टुडे देयर इज नो डाउट अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, आज के समय में इस पर कोई शंका नहीं कर सकता, या कोई भी शंका नहीं करता है कि पृथ्वी की शेप कैसी है। आज सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी का आकार गोल है, वो गेंद की जैसी है। द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द सैटेलाइट प्रूव्स दैट द अर्थ इज राउंड, सैटेलाइट के द्वारा जो भी स्पेस से फोटोग्राफ्स लिए गए हैं उनसे भी यही दिखाई देता है कि पृथ्वी गोल है। सैटेलाइट मालूम है क्या होता है? सैटेलाइट जो स्पेस में घूमते रहते हैं और हमारी पृथ्वी की पल पल की जानकारी देते हैं, जिनकी मदद से हम टेलीफोन सुनते हैं, जिनकी मदद से हमें वेदर टेलीकास्ट का पता चलता है। इन फैक्ट गैलीलियो द ग्रेट साइंटिस्ट कन्फर्म दैट द अर्थ इज राउंड,
देखिए कॉपरनिकस ने बोला, फेर्डिनेंड ने बोला और गैलीलियो ने भी यही बताया, जो एक महान वैज्ञानिक था उसने भी कंफर्म किया कि पृथ्वी है, जो पृथ्वी गोल है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस कैसी है, उसकी सतह कैसी है। द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर, पृथ्वी की सतह पानी, भूमि और पानी से घिरी हुई है। नियरली 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड रेस्ट इज द लैंड। 70% जो इस पृथ्वी पर घिरा हुआ है वो भाग पानी से घिरा हुआ, बाकी का जो 30% बचा वो भूमि से घिरा, यानी कि 70% पानी है और 30% भूमि है। इट्स लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशंस एंड द लार्ज लैंड मास आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। इसके ऊपर जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज मतलब कि जो जिनमें बहुत सारा पानी होता है, बहुत बहुत सारा पानी होता है, उन्हें हम ओशंस कहते हैं। और जो भूमि का बड़ा भाग होता है उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। देयर आर फोर मेजर ओशंस ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर चार बड़े महासागर हैं, नेमली उनके क्या क्या नाम है, पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। ये चार ओशंस हैं पृथ्वी पर। देयर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर सात महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। इनके स्पेलिंग्स भी आपको साथ साथ याद करने हैं, इनको कॉन्टिनेंट्स ही बोलो बस, ताकि आपको ये वर्ड्स जीप पर बने रहें और आप इनको अच्छे से बोल सकें। नेमली क्या क्या नाम है उन कॉन्टिनेंट्स के, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये सात हैं, ठीक है। क्या है कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। जो सागर है, महासागर है, उनमें से पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा ओशन है। एंड एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। द सर्फेस ऑफ द लैंड मास इज नॉट इवन। जो लैंड मास है हमारी पृथ्वी पर, जो भूभाग है उसका जो सरफेस है वो इवन नहीं है, यानी स्मूथ नहीं है, एक जैसा नहीं है। कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं पहाड़ कहीं पठार, कहीं घाटियाँ, इस तरह से अलग अलग शक्लें हैं। समवेयर देयर आर प्लेन्स, कहीं पर ये मैदानों के रूप में है, कहीं माउंटेन्स के रूप में है, कहीं प्लेट्यूज के रूप में, एंड सम आर वैलीज, और कहीं कहीं पर ये घाटियों के रूप में है। सीज, गल्स, रिवर्स, बेस, लेक्स एक्सेट्रा आर फाउंड ऑन द अर्थ। और वाटर बॉडीज में हमारे पास ओशंस तो हैं, इसके अलावा क्या है, सागर, सागर हैं, गल्स हैं, रिवर्स नदियाँ हैं, बेस खाड़ी है, झीलें आदि भी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। ड्यू टू द वास्ट सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी का जो सरफेस है वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्टडी द अर्थ, इसी कारण से इसे पढ़ना जो है वो मुश्किल है। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी मैन हैज़ मेड अ मॉडल ऑफ द अर्थ। इस डिफ़िकल्टी को, यानी कि इसकी स्टडी करने में जो हमें डिफ़िकल्टी आ रही थी, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए मनुष्य ने पृथ्वी का एक मॉडल बना लिया, विच इज़ कॉल्ड ग्लोब, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। इट कैन बी कॉल्ड अ मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ, इसे हम मनुष्य के द्वारा बनाया गया पृथ्वी का एक मॉडल कह सकते हैं। इट शोज द लोकेशंस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशंस, रिवर्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा इन देयर एस्टिमेटेड साइज एंड शेप्स। इससे हमें, इस मॉडल का हमें क्या फ़ायदा होता है, इस मॉडल पर हमें कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन पता चल जाती है, देशों की, महासागरों की, नदियों की, पर्वतों की आदि, और इन सभी चीज़ों की हमें लोकेशंस का पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन सा देश स्थित है। एस्टिमेटेड साइज एंड शेप, और हमें उस देश का, उस सागर का, उस कॉन्टिनेंट का
अंदाजे से साइज और शेप भी पता चल जाती है। अ ग्लोब ए रिप्रेजेंट्स लैंड एंड वाटर बॉडीज इन डिफरेंट कलर्स। ग्लोब पर भूमि और पानी को अलग अलग रंगों के द्वारा दर्शाया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स ओशन इन ब्लू कलर। इस पर ओशंस को ब्लू कलर में दिखाया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स कंट्रीज इन डिफरेंट कलर्स। और देशों को अलग अलग रंगों में दिखाया जाता है। सो दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड ईजली। इसीलिए उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। वी कैन सी विच कंट्रीज आर स्मॉलर एंड विच आर बिगर। इसी तरह से उनको देशों को देखकर ही हम ये अंदाजा लगा पाते हैं कि कौन सा देश छोटा है और कौन सा बड़ा है। वी कैन ऑल्सो सी विच कंट्रीज आर आवर नेबरिंग कंट्रीज। और हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। एंड विच आर ऑन द एक्सट्रीम साइड्स ऑफ द अर्थ। और ये भी पहचान सकते हैं कि कौन से पृथ्वी में से परे जाकर हमारे विचार कौन से हमारे हमसे दूर हैं, यानी कि पृथ्वी से हमारे देश से बहुत एक्सट्रीम पर जाकर है। द टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ ग्लोब आर नॉन एज पोल्स। जो ग्लोब पर दो एंड पॉइंट्स होते हैं उन्हें पोल्स कहते हैं। जैसे कि ये आपका ग्लोब है, एक ये वाला पॉइंट है, मैं यहाँ एन लिख रही हूँ, और ये एक नीचे वाला पोर्शन है, इसे हम एस लिखते हैं। ये दो एंड पॉइंट्स हैं। इन एंड पॉइंट्स को क्या कहते हैं? पोल्स कहते हैं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द वन एट द टॉप इज द नॉर्थ पोल एंड द अदर एट द बॉटम ऑफ द ग्लोब इज साउथ पोल। जो नॉर्थ को ऊपर की तरफ होता है वो नॉर्थ पोल है, और जो नीचे की तरफ होता है बॉटम है उसे साउथ पोल कहते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू एंड्स पॉइंट इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द अर्थ। और जो जिस लाइन से एंडिंग लाइन से ये जुड़े होते हैं उसको हम पृथ्वी का एक्सिस कहते हैं। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। इस ये लाइन कोई किसी ने आकर नहीं लगाई, ये कल्पना के द्वारा स्वयं ही लगाई गई है। ये जो लाइन्स हैं, ठीक है, ये है आपकी क्या है, एक्सिस है। वी कैन इफ वी लुक एट द ग्लोब केयरफुली। यदि हम ग्लोब को ध्यान से देखें, वी सी ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लाइन ड्रॉन एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द टू पोल्स। यदि हम इसे ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि ग्लोब का जो बीच का हिस्सा है उसके सेंटर में ही एक सर्कुलर लाइन ड्रॉ की गई है। ये देखिए, केयरफुली देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे आधा 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 वेस्ट में होगा और आधा ईस्ट में होगा, लेकिन ये देखिए ये सर्कुलर लाइंस हैं, राइट। इनको हम क्या बोलते हैं, मिडल ऑफ द टू पोल्स। तो दोनों पोल्स के बीच में ये सर्कुलर लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर। इसे हम इक्वेटर कहते हैं। इट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल विच कैन बी ड्रॉन अराउंड द अर्थ। प्यारे बच्चों, इक्वेटर ये वाला लाइन है जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल को अलग करता है। ये सेंटर में जो जा रहा है, ये जो मोटे से पेड़ पूरी देखिए, ग्लोब यहाँ से कितना मोटा है ना, तो इसके यहाँ बीचों बीच जो जा रहा है इसे हम इक्वेटर कहते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर। इट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल विच कैन बी ड्रॉन अराउंड द अर्थ। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये पृथ्वी पर जितना भी बड़ा एक सर्कल हो सकता है वो यहाँ पर ये सर्कल इक्वेटर की लाइन खींचने से बन जाता है। द लाइन्स दैट टर्न्स पैरेलल टू द इक्वेटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन आर कॉल्ड लेटिट्यूड्स और पैरेलल्स ऑफ द लेटिट्यूड।